हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी मेंटर तनीषा यादव। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिल्ली आईएएस रायपुर आप सभी एसआई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आ रहा है सीजीएसआई मेंस इंग्लिश की फ्री क्लासेस। आज इंग्लिश का आपका सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जो कि पिछले लेक्चर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन एस्पिरेंट्स ने मेरा फर्स्ट लेक्चर मिस किया है, मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको एडवाइस करती हूँ कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहां पर मेरे फर्स्ट लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर पर डिस्कस किया है इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस के रीअरेंजमेंट वाली जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं, PQRS वाला जो क्वेश्चन आता है, उस लेक्चर पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। तो उस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, उस लेक्चर की लिंक आपको दी गई है, उस पर जाकर उस फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए। चलिए, आज के हम अपने इस लेक्चर पर बात करने वाले हैं नाउन की। जैसा कि आप सभी को पीछे स्क्रीन में नजर आ रहा है, एक मेम डला हुआ है स्क्रीन पे लिखा है कि ये जो पपी है और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन है पर्सन, प्लेस, थिंग। तो ये पपी जो है वो आप सबसे क्वेश्चन कर रहा है, सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नाउन क्या है। आप लोग बचपन से जो नाउन यानी कि संज्ञा का जो डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, जी हाँ, डेफिनेशन। हमें अपने प्रोनंसिएशन पर भी काम करना है एस्पिरेंट्स, याद रखिए, क्योंकि प्रोनंसिएशन से आपके जो स्पेलिंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर आते हैं। ये मैं बार बार इस बात पर जोर डालती रहूंगी, क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है और CGSI मेंस में 75 मार्क्स में से 70 मार्क्स जो है वो हमें अच्छे से कर आने ही हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए, नाउन जो है पर्सन, प्लेस, थिंग है। बचपन से हमें एक ही डेफिनेशन, संज्ञा की एक ही परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें जो है हमें क्रैक करना है अपना एग्जाम। तो नाउन को जो देखने का नजरिया है वो आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीटली बदल दूंगी, ठीक। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, प्लीज एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप एक नाउन को बहुत ही नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है नाउन पे, बाय तनीषा यादव, आपकी मेंटर, आप सभी जानते हैं मुझे। चलिए, अब स्क्रीन पर आपको 1 से लेकर 10 तक के जो सेंटेंसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। अपना खुद का विवेक इस्तेमाल कीजिए और बताइए, वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और देखिए और बताइए इन सेंटेंसेस में कि नाउन आपके हिसाब से क्या होंगे। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए इनके आंसर्स, कमेंट कीजिए पॉज करके, उसके बाद हम इसको सीखेंगे, जल्दी फटाक से तुरंत। चलिए, अब आपके अकॉर्डिंग आपने लगाया होगा सीता कॉल्ड राम, तो आपके हिसाब से सीता जो है और राम जो है वो आपका नाउन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। द गर्ल बॉट अ पेन, गर्ल और पेन जो है वो आपके हिसाब से नाउन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तनीषा वेंट होम, ओके, तनीषा और होम जो है वो आप लोगों के हिसाब से नाउन है, ठीक है। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, ओके, कैप्टन और टीम जो है, ये मैं आप लोग जो सोच रहे हैं उस हिसाब से मैं आंसर कर रही हूँ। उसके बाद पहले हम नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, अब इसमें आप बताइए, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो यहाँ पर ना तो पर्सन है, ना ही प्लेस है और ना ही थिंग है, तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए, जिनको सही आंसर पता है वो वीडियो को बिल्कुल पॉज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज बनाने के लिए। चलिए, जल्दी से पॉज करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगेन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ना तो यहाँ पर पर्सन है, ना तो यहाँ पर प्लेस है, ना ही यहाँ पर थिंग है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी,
तो यहां पर बताइए, यहां पर आपका आंसर क्या होगा? द ट्रेन रीच द स्टेशन, लव चेंजेस अ पर्सन. अच्छा, ट्रेन तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक, स्टेशन भी होगा, चलिए ठीक है. लव चेंजेस अ पर्सन, तो पर्सन तो आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से मैं आंसर मार्क कर रही हूं, ठीक है. सोनू लव्स हिज होम, सोनू और होम जो है ये आप लोगों के हिसाब से मैंने आंसर्स मार्क कर दिए. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नाउन क्या होता है, ठीक. जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन बेसिकली क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ये तो हो गई जो आप अपने स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे कि नाउन जो है, नाउन बेसिकली अ नेमिंग वर्ड है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, बिल्कुल ठीक. ये हमारी स्कूल लेवल की बातें हो गई. लेकिन अब हम जो एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो एग्जाम आपका कौन सा है, CGSI मेंस का एग्जाम है. तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्कूल लेवल से क्वेश्चन नहीं आएंगे. अब यहाँ पर हम जो नाउन पढ़ने वाले हैं, नाउन जो होगा बेसिकली, नाउन यहाँ पर आपका क्या होगा, नाउन को हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं. तो नाउन जो है वो बेसिकली आपका क्या होगा, ऐसे जो भी थिंग्स जो आपको विजिबल हैं, जैसे मैं एक क्लासरूम में हूँ, मुझे इस क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड नजर आ रहा है, रिमोट नजर आ रहा है, स्मार्ट बोर्ड का पेन नजर आ रहा है, फैन नजर आ रहा है, AC नजर आ रहा है, बेंचेस और डेस्क नजर आ रहे हैं, मैं खुद अपने आप को देख पा रही हूँ इस कैमरे के थ्रू, तो ये सारी चीजें जो आपको विजिबल हैं वो किसके अंदर आएंगी बेटा, नाउन के अंदर आएंगी, ठीक. दूसरा दूसरा जो कैटेगरी आती है नाउन की वो होती है FAQS. यहाँ पर FAQS फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से नहीं है, यहाँ पर जो FAQS है, F stands for feeling. जी हाँ, यहाँ पर देखिए, इस क्लासरूम में AC चल रहा है जिसकी वजह से मैं ठंडक महसूस कर पा रही हूँ, तो वो भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा बेटा, नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा. A stands for action, Q stands for quality and S stands for state. तो इन सभी को भी आप किसके अंदर कंसीडर करेंगे, नाउन के अंदर कंसीडर करेंगे. जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि नाउन इज अ पर्सन प्लेस थिंग से बाहर आइए, और अब हम नाउन को तीन अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं. सबसे पहला हमने उसको कैटेगराइज किया विजिबल. विजिबल यानी कि आपके आसपास आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगी, वो सभी नाउन के अंदर आएंगी. उसके अलावा ऐसी चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं, वो भी किसके अंदर आएंगी बेटा, नाउन के अंदर आएंगी. और तीसरी कैटेगरी यहाँ पर आपकी आ जाती है यूनिट. अब ये यूनिट का क्या खेल है, सब कुछ एक ही लेक्चर में थोड़ी बताऊंगी, ये हम देखेंगे आगे के लेक्चर में. इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप CG के SI मेंस इंग्लिश की फ्री क्लासेस अवेल कर सके. चलिए अब देखिए, ये हमने नाउन को कैटेगराइज कर लिया. आप सीख चुके हैं कि नाउन जो है पर्सन प्लेस थिंग के अलावा भी और कुछ होता है. अब ये आप कैसे सीखे, अभी हमें जो नाउन को पढ़ना है, अभी हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली कौन सा ग्रामर है, वो फंक्शनल ग्रामर है. स्कूल से बाहर आइए, स्कूल में हम जो ग्रामर पढ़ रहे थे दैट वॉज योर इंग्लिश ग्रामर, अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर. फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अब हमें नाउन के यूज को देखना है और इसका इस्तेमाल करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे. अब यहाँ पर जो शुरुआत के फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिखाए थे, उनका इस्तेमाल करके हम नाउन को पहचानना सीखेंगे. तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेटा आपको तीन प्रश्न खुद से पूछने पड़ेंगे, वॉट, हु और हुम. और इन तीनों का आंसर जो भी सेंटेंस दे रहा होगा वही आपका नाउन होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए तीन प्रश्न, तीन क्वेश्चन करने होंगे, व्हाट, हु, हुम. और इन तीनों का जो आंसर दे रहा होगा वही आपका नाउन होगा. तो चलिए वापस चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे, और वहां पर हम फिर से इन क्वेश्चंस नाउन को पहचानने की कोशिश करते हैं. चलिए ठीक, व्हाट, मैंने आपको तीन प्रश्न बताए थे नाउन को पहचानने के लिए, व्हाट, हु एंड हुम. चलिए,
हु कॉल्ड राम, सीता कॉल्ड राम, हु कॉल्ड राम का आंसर है सीता, तो सीता आपकी क्या हो गई बेटा, नाउन हो गई। सीता कॉल्ड हुम, सीता कॉल्ड राम, तो राम आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। द गर्ल बॉट अ पेन, हु बॉट अ पेन, द गर्ल, गर्ल बॉट अ पेन, तो गर्ल इज योर नाउन। द गर्ल बॉट वॉट, द गर्ल बॉट पेन, तो पेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तनीषा वेंट होम, हु वेंट होम, तनीषा वेंट होम। अब ये होम जो है, या क्या ये होम इन तीनों में से किसी का आंसर है? वॉट, तनीषा वेंट वॉट, तनीषा वेंट हु, तनीषा वेंट होम, नहीं, ये होम किसका आंसर है? होम आंसर है तनीषा वेंट वेयर का आंसर है, तनीषा वेंट वेयर का आंसर है। और जो क्वेश्चन वेयर, वेयर को पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? होम, तनीषा वेंट वेयर होम, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये आपका नाउन नहीं होगा। जो आंसर वेयर से निकल कर आता है, जिसका आंसर वेयर से निकल कर आएगा, वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका एडवर्ब होता है। चलिए, हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट टीम, तो टीम आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब फिफ्थ वाले सेंटेंस पे आते हैं जहां पर आप सभी को कंफ्यूजन था। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, ईयर, तो ईयर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ईयर हैज पास्ड हाउ, क्विकली जो है, क्विकली जो है, ये इन तीनों का आंसर नहीं है। क्विकली क्या व्हाट का आंसर है, क्विकली क्या हु का आंसर है, क्विकली क्या हुम का आंसर है, नहीं, क्विकली आंसर है हाउ का, तो अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्ब। क्विकली अगेन आपका क्या है, इट इज एन एडवर्ब। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब यहां पर देखिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या पर्सन प्लेस थिंग है? मेरे पास 250 ग्राम ऑनेस्टी है, ये सही है? नहीं, इट मीन्स ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, सेकेंड कैटेगरी, एफ ए क्यू एस वाली कैटेगरी में रखोगे। मतलब ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, तो ऑनेस्टी नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है, क्वालिटी है वो, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज व्हाट, अगेन ऑनेस्टी इज व्हाट, Honesty is the best policy. So policy भी बेटा आपका क्या है, noun है। तो आप देखिए, policy को आप यहाँ पर किस category के अंदर रखोगे, feeling के अंदर, action के अंदर, quality के अंदर, या state के अंदर? तो policy basically क्या है, अगर मुझे अपने teaching style में कुछ changes लेकर आना है, अगर government को अपने rules and regulation में कुछ changes लेकर आना है, कुछ changes करना है, क्या changes करना है, करना है, करना है, करना है, तो उसके लिए उनकी क्या लेकर आना पड़ेगा, पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करने की, तो पॉलिसी आपका क्या है, नाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन नेक्स्ट, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, व्हाट क्योर्स एंजाइटी, व्हाट क्योर्स एंजाइटी, लाफ्टर, लाफ्टर जो है, किसी का मुस्कुराना इंसल्ट हो सकता है, किसी का मुस्कुराना गजब ढा सकता है, किसी का मुस्कुराना आपकी रातों की नींद ले जा सकता है, तो यहाँ पर लाफ्टर जो है वो क्या कर रहा है, लाफ्टर आपकी एंजाइटी क्योर कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो लाफ्टर है, लाफ्टर एक नाउन है, इट इज एन एक्शन, और वो क्या क्योर कर रहा है, एंजाइटी क्योर कर रहा है। एंजाइटी एक मेंटल स्टेट होती है, तो यहां पर ये जो नाउन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टेट। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, व्हाट रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन, द ट्रेन रीच्ड स्टेशन, आपके हिसाब से स्टेशन जो था वो नाउन था, लेकिन क्या यहाँ पर ये स्टेशन जो है इन तीन प्रश्नों में से किसी एक का जवाब दे रहा है? बिल्कुल नहीं। द ट्रेन रीच्ड वेयर, अगेन ये किसका जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। चलिए, लव चेंजेस अ पर्सन, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस अ पर्सन, तो लव आपका नाउन हो गया, कैसा नाउन हो गया, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे आप इसको, फीलिंग के अंदर रखेंगे। लव चेंजेस हुम, तो लव चेंजेस अ पर्सन, पर्सन जो हो गया वो आपका नाउन हो गया। अब दसवां
सेंटेंस देखिए, सोनू लव्स हिज होम. हु लव्स हिज होम? सोनू लव्स हिज होम. तो सोनू आपका क्या हो गया? नाउन. सोनू लव्स व्हाट? सोनू लव्स व्हाट? होम. तो यहां पर देखिए सेंटेंस नंबर थर्ड देखिए और सेंटेंस नंबर टेन देखिए. देखिए यहां पर भी होम है, यहां पर भी होम है, बट यहां पर जो होम है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, बट यहां पर जो होम है वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करना है तो बस ये तीन प्रश्न पूछ लीजिए और ये तीन प्रश्नों का उत्तर जो दे रहा होगा वो आपका नाउन होगा और बाकी सब जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होंगे वो नाउन नहीं होंगे. तो डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ नाउन लेकर आएंगे. तो अगर आपको ये सीजीएसआई मेंस इंग्लिश की बात जो है वो फ्री चाहिए, फ्री लेक्चर्स आपको चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस अपलोड करें आपका रिस्पॉन्स देखकर. और फिर जल्द ही एज आई प्रोमिस्ड आपको सीजीएसआई मेंस की जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो फ्री अवेलेबल होंगी हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली आईएएस रायपुर पे. कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. थैंक यू.